हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं अपने फ़ोन की आवाज़ को एकदम धमाकेदार? तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप वीडियो पर ये चीज़ देखकर आए हैं कि हम अपने फ़ोन की आवाज़ को इतना मतलब पावरफुल बना देंगे, बिल्कुल हल्की है और उसे धमाकेदार, तो भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी भी फ़ोन की कोई भी यूट्यूबर हो विदाउट एनी यूज़ एनी अदर हार्डवेयर डिवाइस वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर सकता बिना हार्डवेयर के। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मामले में आप ज़्यादा ना पढ़ें, आप सिर्फ इतना समझ लें कि जब तक आपके फ़ोन से स्पीकर ज़्यादा बड़े नहीं लगेंगे तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ कैसे आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक सॉफ्टवेयर में कभी कभार आपके दिक्कत आ जाती है तो मैं आपको उसी का एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ताकि आपकी आवाज़ फ़ोन की काफ़ी मंदी हो जाती है, काफ़ी दबी हुई आती है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपने फ़ोन की वॉल्यूम को कभी भी वे बूस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों प्ले स्टोर पर ऐसे कई फेक ऐप पड़े हुए हैं और आपने देखे भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ऐप जिसका रिव्यू, जी हाँ दोस्तों, उसका रिव्यू 4.7 है। इससे ही पता लगता है कि वो ऐप वर्क करता है और आप खुद भी देख सकते हैं कितने लोगों ने उस पर रिव्यू किए हैं और कितने उस पर पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। तो दोस्तों उनके रिव्यू को पढ़ने के बाद ही मैंने उस ऐप को सिलेक्ट किया और जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, और मैंने उसे खुद यूज़ करके देखा है। तो दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल ऐप है और मेरी मानिए तो आप भी इसे यूज़ ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इससे आप खाली अपने पबजी के लिए नहीं, मैं कहूँगा कि आप और भी कई चीज़ों में आपके काम आ सकता है, गाने सुनने या और भी कई चीज़ें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पबजी के लिए ज़्यादा साउंड क्वालिटी अच्छी चाहते हैं, तो मेरी मानिएगा तो आपके फ़ोन की साउंड क्वालिटी पबजी पर कोई असर डालती ही नहीं है आपके प्रो प्लेयर बनने में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए एक अच्छी लीड की ज़रूरत होती है। दोस्तों आपके फ़ोन की साउंड क्वालिटी ठीक ठाक भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है तो आपकी ईयरफोन से। क्योंकि दोस्तों जितने भी ज़्यादातर प्रो प्लेयर हैं, आपने देखा होगा वे अपने कान में लीड या हेडफोन लगा कर रखते हैं। उसका कारण यही होता है कि मान लीजिए लेफ्ट से बंदा आ रहा है तो लेफ्ट कान में आवाज़ आ रही है। उनके हेडफोन काफ़ी महंगे होते हैं और काफ़ी मतलब उन्हें वीडियो बनानी होती है यार, इसलिए वे इतना खर्चा करते हैं। मेरे हिसाब से तुम एक घर पर बैठकर खेलने वाले नॉर्मल बच्चे हो तो तुम्हें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। वो कमा रहे हैं इसलिए वो खर्च कर रहे हैं पबजी के ऊपर। रॉयल पास हाँ भाई, जिसके पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कर सकता है, मैं उसको मना नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, फ्लिपकार्ट पर जाकर, कोई बजट या जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से एक लीड देख लीजिएगा। और गाइस मैं क्या कहूँगा कि विदाउट बेस लीड ही देखिएगा जिसमें बेस कम हो। और यूट्यूब पर भी आपको ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जिनमें आपको बता देंगे कि बेस्ट ईयरफोन, बेस्ट हेडफोन फॉर पबजी। क्योंकि दोस्तों फ़ोन की आवाज़ तेज़ होने से कुछ नहीं होता, कारण या फ़र्क तब पड़ेगा जब वो आवाज़ आपके कानों तक किस तरह से पहुंच रही है। दोस्तों जब आप ईयरफोन लगा लेते हैं या हेडफोन लगा लेते हैं तो कोई भी बाहर की नॉइस आपको नहीं आती, आपका पूरा कॉन्सनट्रेट, आपकी जो आँखें होती हैं वो पबजी पर लगा कर रखती हैं और आपके कानों का भी पूरा कॉन्सनट्रेट वहीं चला जाता है, यानी कि आपका ध्यान नहीं भटकता इधर उधर की आवाज़ों से। और मान लीजिए अगर आप पबजी खेल रहे हैं, आपके फ़ोन की आवाज़ हद से हद, आप एक फ़ोन की आवाज़ कितनी तेज़ कर लेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक फ़ोन की आवाज़ काफ़ी तेज़ भी कर दी जाए तो फिर भी आपका इधर उधर की बातों पर ध्यान जाता है, लेकिन जब आप लीड और हेडफोन का यूज़ करते हैं तो आपका ध्यान नहीं जाता। और यही एक मैं कहूँगा सीक्रेट ट्रिक है पबजी प्लेयर के लिए। आपने जितने भी आज तक प्रो प्लेयर यूट्यूब पर देखे होंगे हेडफोन या लीड का यूज़ हमेशा करते होंगे। हालांकि आपको उतने महंगे लीड या हेडफोन खरीदने की जरूरत नहीं है, वे लोग अपनी कमाई करते हैं उन चीज़ों से तो वे इतना खर्च करते हैं। आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं, आप कोई अपने बजट में ले सकते हैं 1000-2000। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो।